है, कहीं वो रेलवे स्टेशन न चला गया हो। सॉरी दोस्तों, लेट हो गया, जल्दी चलो एनिमल ट्रेन आके निकल ना जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं ऐसी प्लानिंग करता हूँ कि खुद को ही शाबाशी देने का मन करता है। ए कमकल सिंह, वो देख, वो क्या आ रही है। बॉस, वो ट्रेन आ रही है। ओए पगले, वो तो मुझे भी दिख रहा है। तुम नाम के ही नहीं, असली में कमकल, मेरा मतलब है वो कौन सी ट्रेन है। बोजी, या तो डीजल ट्रेन होगी, या फिर कोल ट्रेन, या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन, या फिर बस कर, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वो एनिमल ट्रेन है, उसमें सर्कस के ट्रेंड ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ बर्फीली जगहों में पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन, पोलर बेयर, सील्स वगैरह। तुम जैसे बंदर नहीं। कितने कम अकल है लोग। वेदास शहर में बर्फ ही कहाँ है जो ऐसे जानवर यहाँ ला रहे हैं। वेदा सिटी के बाहर एक इंडोर स्नो जंगल बनाया गया है। उस इंडोर जंगल में जानवरों को रखकर लोगों को दिखाए जाएंगे। अगर ये ट्रेन हमने अपने कब्जे में कर ली तो सरकार से हम करोड़ों रुपए मांग सकते हैं। शाबाश 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 शाबाश, आगे बढ़ो, चलो सब ट्रेन में कूदो। साथियों, बेदास शहर में किसी को शक ना होने पाए, शहर में हम कुछ देर ही ट्रेन रोकेंगे, फिर शहर से ट्रेन बाहर ले जाकर अपने कब्जे में कर लेंगे और सरकार से 10 करोड़ रुपए मांगेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस एनिमल ट्रेन में आर्कटिक, एंटार्क्टिक से लाए हुए एनिमल्स हैं। इन्हें सर्कस में ट्रेन किया गया है। जैसे ही ये वेदास स्नो जंगल में छोड़ दिए जाएंगे, आप सब वहां जाके इन्हें अलग अलग करतब करते हुए देख सकते हैं। क्या बात है, ये लोग इतने स्टिफ होकर क्यों खड़े हैं? आप लोग क्लैप कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं और उनका कोई रिएक्शन ही नहीं है। अरे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर, तो टेंशन तो होगी। हे रेवा, मैंने एक हाथ ऊपर आते देखा, फिर वो अटेंडेंट जो खड़ा था, देखो नीचे झुक गया और अब देखो वापस खड़ा हो गया। उस गार्ड के पास जरूर नीचे कोई है जो हाथ दिखा रहा है। चलो लड्डू सिंह जी को बताते हैं।
लड्डू सिंह जी, इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। जो लोग खड़े हैं उनको ध्यान से देखिए, वो एनिमल के अटेंडेंट जैसे लग ही नहीं रहे। फिर मैंने एक हाथ ऊपर आते देखा और फिर उसे किसी ने दबा दिया। आप पीछे चेक करिए और मैं आगे चेक करता हूँ। ओके शिवा ओके, मैं पीछे जाके चेक करता हूँ, तुम आगे जाओ। जाओ हाय जल्दी। कुछ बच्चे अंदर आ गए, उन्होंने सब देख लिया है। ट्रेन को जल्दी यहाँ से ले चलिए। ओके ओके। सर ट्रेन इधर से आती ही होगी। अब क्या करें शिवा, मैंने पुलिस फोर्स को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। हम इस ट्रेन को नहीं रोक सकते। पेड़ाराम जी, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, आप पीछे पीछे आइए। शाबाशी तो उसे मिलनी चाहिए। ड्राइवर अंकल, ट्रेन का पहिया पंचर हो गया है। शाबाश सिंह जी, ट्रेन रोको, पहिया पंचर हो गया है। ओए, तू कार का ड्राइवर ही रहेगा, ये ट्रेन है ट्रेन, और ट्रेन का पहिया पंचर नहीं होगा, वो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। मैं इस लड़के की अभी खबर लेता हूँ, कहाँ गया। चिपकी रहेगी। ओए बच्चे, तुम कहां से आए? बच्चा नहीं कहना अंकल। ओए बच्चे को बच्चा ना कहूं तो और क्या कहूं? शिवा नाम है मेरा। लड्डू सिंह जी, इनको किसी सेफ जगह पर लेकर जाइए। ओके।
आओ आओ मेरे पीछे आओ, आओ। दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं, वो खाली दिख रहा है, चलो। कभी खुद को शाबाशी देने का मन करता है। अब ये जंगल भी मेरा और एनिमल ट्रेन भी मेरी। सरकार से 10 करोड़ रुपए मांगूंगा। बॉस बॉस एक लड़का साइकिल से उड़ता हुआ आया और हम सबको उसने उड़ा दिया। बहुत मारा बॉस, बहुत मारा। सब लोग घायल पड़े हैं। क्या?
उस लड़के ने, इतने छोटे से लड़के ने तुम सबको मारा। बच्चे, तुमने मेरे आदमियों को मारा, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। शाबाश शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा लड़ते हो। तुमने मेरे 10 करोड़ का नुकसान करा दिया। अब जेल में चल के 10 करोड़ डंडे खाना। क्यों? तुमने स्नो जंगल और एनिमल ट्रेन दोनों को बचा लिया। हाँ, और मैंने शिवा को बचा लिया। बेचारा कितने खतरे में था, है ना शिवा? शिवा, इस बार सच सच बताओ, तुमने लड्डू सिंह जी की मदद की या लड्डू सिंह जी ने तुम्हारी मदद की? लड्डू सिंह जी ने ही सबको पकड़ा है, हम तो सिर्फ देख रहे थे। सफेद झूठ, ये बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चा नहीं कहूंगा, ये शिवा बहुत अच्छा लड़का है, इसने ही सबको पकड़ा है। मैं
मैं तो खुद को पोलर बेयर और पेंगुइन से बचाने में लगा था।